Okay, so let's do some more examples of rotational dynamics. Question number 38. A massless equilateral triangle EFG of side A has three particles of mass m situated at its vertices. तो आपके पास एक मासलेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मासलेस है ऑफ साइड ए, उसका उसके हर एक वर्टेक्स पे मास एम है, मास एम एंड मास एम. ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट लाइन ई एक्स, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइन ई एक्स ये पूछा है. तो सिस्टम जो है वो इस लाइन के अबाउट रोटेट होने वाली है, ई एक्स लाइन के अबाउट रोटेट होने वाली है. तो सिस्टम विल रोटेट अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइन, है ना, परपेंडिकुलर टू ए जी इन द प्लेन ऑफ ई एफ जी इज एन बाय 20 ma². तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस इज गिवन टू यू एन बाय 20 ma², where n is an integer, the value of n is, तो options नहीं print हुए, doesn't matter. तो ऐसा एक equilateral triangle है जो massless है, उसके हर एक vertex पे mass है, mmm. It is rotating about this line ex, which is perpendicular to eg and in the plane of triangle. And moment of inertia is, of course, given to you n by 20 ma², तो n की value find करनी है. तो first of all, total moment of inertia I will be moment of inertia due to mass at E plus due to mass at G plus due to mass at F. So moment of inertia will be moment of inertia due to E, due to F and due to G. Har ek vertex pe mass hai. Usme se I E zero ho jayega. Kyun? Since axis se uska distance zero hai. आपको पता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर. अभी जब एक्सिस पे ही मास है तो डिस्टेंस जीरो है, डिस्टेंस जीरो है तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है. देन ऑब्वियसली अगर मैं एफ से एक लाइन यहाँ ड्रॉप करता हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको ए बाय टू और ए बाय टू में डिवाइड कर देगा. मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज एफ पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एफ पॉइंट का एफ मास का मास एम विच इज एट एफ इसका डिस्टेंस ए बाय टू होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास एट एफ इज एम इंटू डिस्टेंस का स्क्वेयर विच इज एम ए स्क्वेयर बाय फोर. सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास एट जी पॉइंट इज एम into distance of g from axis of rotation that is a, क्योंकि ये पूरा distance कितना है a, बोला ही है उन्होंने ये distance a है, this is what it is said in the figure, तो ma square, तो total moment of inertia will be I e plus I f plus I g, I e is शून्य zero, this is ma square by 4, this is ma square, so this is 5/4 ma square, राइट. तो आई मिल गया 5/4 ma square, करेक्ट. अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, इंटेंशनली डिवाइड करूंगा, है ना. 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 और डिवाइड किया तो 4 × 5 दैट इज 20 ma², इक्वेशन नंबर 2. गिवन क्या था, n बाय 20 ma², तो कंपेयर कर लो. सो कंपेयरिंग comparing 1 and 2 you have n ki value as 25, to n ki value 25 ho gaya, question solve, khatam, correct. To aisa aapko ye question solve karna hai. To moment of inertia aapko diya hai n by 20 ma², to humne kya kiya, humne find kar liya, humko kya mil gaya, 5/4 ma², matlab 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो 25/20 ma², फिर जो हमको मिला है और जो दिया है कंपेयर करो, n की वैल्यू 25, खत्म, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41.
बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी गुड क्वेश्चन. फॉर अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर शीट शोन इन द फिगर, तो कौन सी यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर शीट बता देता हूं मैं. ये रेक्टेंगुलर शीट है, ये दिस इज रेक्टेंगुलर शीट, ऐसा ये रेक्टेंगुलर शीट है. ओके, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द शीट, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, तो ये डॉट का मतलब आपके मोबाइल के स्क्रीन से या लैपटॉप के स्क्रीन से बाहर निकल रहा है एक्सिस, कमिंग आउट, परपेंडिकुलर है इसलिए कमिंग आउट. रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर शीट टू द शीट एंड पासिंग थ्रू ओ एंड ओ डैश, मतलब एक एक्सिस ओ से परपेंडिकुलरली बाहर आ रहा है, एक एक्सिस ओ डैश से बाहर आ रहा है. तो जस्ट टू गिव यू अ प्रॉपर डायग्राम सो दैट यू कैन इमेजिन, मैं आपको यहां पे वो एक साइड व्यू भी ड्रॉ करके दे देता हूं. तो ऐसा है, ये आपके पास, सॉरी फॉर दिस, जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर दिस, या इट इज समथिंग लाइक दिस. ये रेक्टेंगुलर शीट है आपका. ओके, यहां पे सेंटर में एक पॉइंट है ओ, और इस कॉर्नर में एक पॉइंट है ओ डैश. एक एक्सिस जो है वो सेंटर से परपेंडिकुलर है, समथिंग लाइक दिस, या फिर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते चलेगा. और दूसरा जो है वो बेटर टू से इज, मैं ऐसा करता हूँ, ये जो ओ डैश पॉइंट है ना, उस ओ डैश पॉइंट को मैं कहीं और ले लेता हूँ. मैं ओ डैश पॉइंट को यहाँ भी ले सकता हूँ, आई कैन टेक इट हियर आल्सो, सो आई विल टेक इट देयर. तो ये आपका ओ डैश पॉइंट है, किसी भी एक कॉर्नर से मतलब है ना हमारा, तो आई कैन टेक इट एनीवेयर आई वांट. तो एक एक्सिस ऐसा है जो सेंटर से पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू द शीट, और दूसरा कॉर्नर से पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू द शीट, ऐसा है, राइट. तो दिस इज हाउ इट इज. तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए हुए है, इसके अबाउट आई ओ डैश है. तो आपको पूछा है व्हाट इज रेशियो ऑफ आई ओ टू दैट ऑफ आई ओ डैश, करेक्ट. अब ये जो साइड है, दिस साइड इज 80 सेंटीमीटर एंड दिस अदर साइड ओवर हियर इज 60 सेंटीमीटर, दिस इज हाउ इट इज, राइट. तो पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है. रेक्टेंगुलर शीट, हमारे पास एक शीट है रेक्टेंगुलर, उसका सेंटर ऑफ मास ओ है, उसमें से एक एक्सिस परपेंडिकुलरली पास हो रहा है, बट एक एक्सिस है जो कॉर्नर से परपेंडिकुलरली पास हो रहा है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो पूछा है. तो दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो फॉर अ रेक्टेंगुलर शीट, ये रेक्टेंगुलर शीट है, मास हर जगह पे है, तो डू नॉट टेक इट अदरवाइज. शीट है तो मास पूरा का पूरा हर जगह पे मास है, यहाँ भी है, यहाँ भी है. रेक्टेंगुलर फ्रेम नहीं है, जब रेक्टेंगुलर फ्रेम बोला होता, रेक्टेंगुलर फ्रेम का मतलब होता है कि मास इज ओनली एट द पेरीमीटर, सिर्फ बाउंड्री पे मास होता है अगर रेक्टेंगुलर फ्रेम बोला होता. तो इन्होंने रेक्टेंगुलर फ्रेम नहीं बोला, इन्होंने बोला है रेक्टेंगुलर शीट. रेक्टेंगुलर शीट का मतलब क्या, रेक्टेंगुलर शीट का मतलब ये है कि मास इज एवरीवेयर. तो ये it is just like your book, so mass is everywhere. Okay, so it is everywhere, so aisa hai. Okay, now you should know
इन सच केसेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज गिवन बाय, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, m बाय 12 लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, ये आता है फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, m बाय 12, व्हाट इज लेंथ 80, मैं सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रेशियो लूंगा, जब मैं रेशियो लूंगा तो रेशियो जब लेते हो सेम फिजिकल क्वांटिटी का तो डायमेंशन तो वैसे भी कैंसिल हो जाते हैं ना, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इट इज 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, मतलब इट इज इक्वल टू m बाय 12, 8 स्क्वायर इज 64 और 8 इंटू 10 था तो 10 स्क्वायर मतलब आगे 10 पावर 2 प्लस 6 स्क्वायर इज 36 इंटू 10 पावर 2, मतलब ये आ जाएगा आपका इन शॉर्ट m बाय 12 64 एंड 36 इज 100 और 10 पावर 2 दोनों में कॉमन था तो 10 पावर 2, तो ये 100 मतलब 10 पावर 2 इंटू 10 पावर 2 मतलब 10 पावर 4, तो m बाय 12 इंटू 10 रेज टू 4, ये आ गया आपका IO मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 10 पावर 4 m बाय 12, इक्वेशन नंबर 1। नाउ मतलब आपको ये पता लग गया आपको IO डैश चाहिए, तो टू फाइंड आउट IO डैश अगर आपके पास ये डिस्टेंस है, सो इफ यू नो हाफ द लेंथ ऑफ डायगोनल, है ना, आपको अगर ये डिस्टेंस पता है मतलब दिस मच डिस्टेंस इफ यू नो, तो फिर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम वी कैन फाइंड IO डैश, therefore IO dash is equal to IO plus MH square where this distance or this distance is H, तो आपको पहले ये H find करते आना चाहिए जो easy है, कैसे find करोगे, obviously you know ये जो base है ये 60 centimeter का मतलब नीचे 60 था तो ये distance 30 होगा और यहाँ का इतना डिस्टेंस 40 होगा, तो यू नो व्हाट डू यू नो इज दिस इज 40 सेंटीमीटर दिस इज 30 सेंटीमीटर, तो क्या करोगे आप, मतलब बेसिकली यू कैन से h स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, 30 स्क्वायर इज 900, 40 स्क्वायर इज 1600, मतलब 2500, हो गया 2500, गुड, पुट इट हियर, तो IO is 10 power 4 m by 12 plus m h square is 2500 2500 matlab 25 into 100 hai na, to questions actually simple hai, they are testing how much mathematics do you know, kyunki maths hi to kar rahe hain hum log, kya kar rahe hain aur, to 25 into 10 power 2 ye aa gaya aapka mh square, तो इसमें आप m कॉमन निकाल लो, उसके बाद आप 10 पावर 2 कॉमन निकाल लो, निकाल सकते हैं कॉमन, है ना, एंड देन यू विल बी लेफ्ट विद 10 पावर 2 क्योंकि पहले टर्म में से मैंने 10 पावर 2 ही कॉमन निकाला था, बाय 12 प्लस 25 ऐसा आ जाएगा वो, क्योंकि सेकेंड टर्म में से m और 10 पावर 2 कॉमन था, ओके, तो नाउ यू विल हैव this is IO dash, so go simplify IO dash equal to 10 power 2 into m cross multiply 25 into 12 25 into 12 is 300, okay, so 300 aa jayega ye, so 10 power 2 plus 300 अपॉन 12 ऐसा आ गया इक्वेशन नंबर 2, तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2 मतलब IO बाय IO डैश, व्हाट वाज IO,
IO was m into 10 power 4 by 12. What is IO dash? IO dash is 10 power 2 m 10 power 2 plus 300 by 12. M 12 gaya. 10 power 2 aur upar 10 power 4 to upar 10 power 2 bachega. To upar 10 power 2 bachega. Okay. Niche aa jayega 10 power 2 plus 300. Right? Good. So isko solve karna padega. You have to solve this. So you have to solve this and you have to find what is the correct answer. Okay. So now thoda sa complications to hai, but kya kar sakte hai? Hai to karna to padega hum logo ko. So how to do this? Ye aa jayega aapka 100. Niche aa jayega 400. Kyunki 400 kaise? 10 power 2 kitna hota hai? 100 hota hai. 100 plus 300, 400. 1 by 4. 1 by 4 aapka answer aa gaya. Right? 1 by 4 aapka answer aa gaya. Yeah, option number B. Yeah, but AC go up simplify kar sakte the. You can write this also equal to 10 power 2 m 400 by 12. Aisa bhi likh sakte the. Chalta hai. Isko aap aisa bhi likh sakte ho in reality. 4 into 10 power ye 2 aur ye 2 matlab 10 power 4. 10 power 4 m by 12. Ye easy hai fir. This is easy. If you want to do this, then it is quite simple. Fir itna sab gadbad karne ki zarurat nahi. Direct likh dena. I 0 was 10 power 4 m by 12. Aur ye aa gaya 4 into 10 power 4 m by 12. 10 power 4 m 12. 10 power 4 m 12. Gaya gaya. 1 by 4. 1 chauthai. 1 fourth. 1 fourth option number B. So, question simple hai. Question is not difficult at all. Sirf पता क्या होना चाहिए? Moment of inertia of a rectangular shade about its center of mass m by 12 l square plus b square. ये direct standard formula है ये. अगर एक बार ये पता लग गया, मतलब आपको ये value पता लग गई, तो फिर I zero dash और I zero इन दोनों में relation पता होता है using parallel axis theorem, क्योंकि ये दोनों axis parallel है और दोनों का distance कैसे निकालोगे? तो diagonal कैसे find करते हो? पता होना चाहिए. तो मैंने क्या किया, मैंने तो छोटा ट्रायंगल लिया, जरूरत नहीं थी. मैं बोलता कि क्यों करूं, मैं ऐसा कर लूंगा, ये बड़ा ट्रायंगल ले लूंगा, ये 80 है, ये 60 है, फिर मुझे डायगोनल मिल जाएगा, फिर मैं डायगोनल का हाफ ले लूंगा. बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है. डायरेक्ट हाफ डायगोनल फाइंड करो या फिर डायगोनल फाइंड करो, बाद में उसका हाफ करो, इट्स द सेम थिंग. तो आपको ओ और ओ डैश मतलब दो पैरेलल एक्सिस का डिस्टेंस मिल गया, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हमने फाइंड कर लिया, तो हमको मिल गया आईओ डैश, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया, मिल गया हमको 1/4. तो डन, दिस इज हाउ वी कैन डू इट. सो सिंपल सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन 49th. सो हियर द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट एल बाय 4 अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड. गुड. एंड परपेंडिकुलर टू इट इज, तो ऐसा है आपके पास एक रॉड है तो यू हैव अ रॉड एंड आई दैट्स व्हाई कीप ऑन टेलिंग कि रोटेशनल डायनामिक्स इज वेरी सिंपल प्रोवाइडेड आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दैट्स इट. सो यू नो व्हाट यू नो इज ये सेंटर है, दिस लाइन passes through center of mass, let's say C, and is perpendicular to the plane. So IC, ये आपको पता ही होता है, ये आपको पता होता है और पता होना चाहिए. M L square by 12, ये आपको पता होना चाहिए. हमारे पास और एक एक्सिस है जो इस सेंटर ऑफ मास के एक्सिस से L by 4 डिस्टेंस पे है. मतलब दिस डिस्टेंस ओवर हियर इज एल बाय 4. द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस हैपेंस टू बी एल बाय 4. मैं मान लेता हूं ये ओ पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओ है. करेक्ट, राइट. आपको पूछा रेडियस ऑफ गायरेशन, तो पहले क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अच्छे से समझ लो.
radius of gyration of thin uniform rod of length L about an axis passing through L by 4 away from the center of rod and perpendicular to it is. मतलब पहले आप L by 4 distance पे moment of inertia find करो पहले. Radius of gyration की बाद में करेंगे. तो IO is equal to IC plus MH square. किसने बताया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम ने बताया. आईसी कितना? एमएल स्क्वायर बाय 12. कहां से आया? थ्योरी में हमने देखा था कि रॉड के सेंटर से और परपेंडिकुलर टू रॉड अगर एक एक्सिस पास हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एमएल स्क्वायर बाय 12 प्लस एमएच. एच कितना है? एल बाय 4 का स्क्वायर. ये कितना आ गया? एमएल स्क्वायर बाय 12 प्लस एमएल स्क्वायर बाय 16. तो ये हो गया आईओ. तो IO फाइनली कितना आएगा? ML square by 4 निकाल लो कॉमन. तो 1/3 plus 1/4 ऐसा आएगा. इसको करो सॉल्व. तो ये आ जाएगा ML square by 4. 4 plus 3 7/12. तो ये आ जाएगा आपका 7 ML square by 48. पहले तो ये पता होना चाहिए. This is moment of inertia. Good. Good, good. अभी कभी कभी आपको रेडियस ऑफ गायरेशन की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछते हैं तो कम से कम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बट बाय डेफिनेशन आईओ इज एम के स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. तो यही करना है हमेशा. जब भी रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा होगा ना, समवन आस्क्ड मी फ्यू डेज बैक हाउ टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ गायरेशन, ये करना होता है. इफ यू आर सपोज टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ गायरेशन, आप पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेफिनेशन के साथ कंपेयर करो. व्हाट वाज डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन? एम के स्क्वायर. कंपेयर करो. फिर कंपेयर करोगे तो फ्रॉम वन एंड टू यू विल हैव एम के स्क्वायर इक्वल टू 7 एम एल स्क्वायर बाय 48. एम एम कैंसिल तो मिल गया आपको k square equal to 7 L square by 48. मतलब मिल गया आपको k equal to under root of 7 by 48 times of L. है क्या? Option number A. And that, क्या difficult है इसमें? Nothing. It's simple, very very simple. तो ऐसा इस question को solve करना था आपने. This is how you are supposed to solve this particular question. Next question, 53. Calculations did I do? Yes. Solid sphere of mass 500 gram. 500 gram मतलब 0.5 kilogram, आधा किलो. Is rolling without slipping. मतलब motion is a combination of translation plus rotation. On a horizontal surface, find kinetic energy of the sphere. Very good. Sphere. Solid sphere. मतलब k square by r square is 2/5. If velocity of center of mass is 5 cm per second, हो गया ना, क्या करना है? What is kinetic energy of rolling motion? Half mv square 1 plus k square by r square. तो पता ही है हमको, rolling motion में ये होता है, पता है. What is mass? Mass is 0.5 kg. And speed v is 5 cm, मतलब 5 × 10⁻²ms/s. तो डालो यहाँ पे b स्क्वायर की जगह पे 5 × 10⁻²² का स्क्वायर. 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर फॉर अ सॉलिड स्फीयर इज 2/5. गुड. तो ये आ गया आपका 5 × 10⁻², 25 × 10⁴ स्क्वायर करने के बाद 1 प्लस 2/5 इज 7/5. राइट, करेक्ट. 1 द 5 द ओके. तो ये आ गया आपके पास 5 × 5, 25 × 7. ओके, तो 25 × 7 कितना? 25 × 8, 170. 25 × 8 होता है 200. 25 × 7 होगा 175 by 2. 175 by 2 × 10⁻⁵. ओके, what is 175/2? कैसे करेंगे इसको? Problem हो गया. This is kind of a problem, no? Isn't it?
350 बाय 4 इंटू 10 पावर माइनस 5। क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लिया, और क्या किया, नथिंग। ऊपर 2 से नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 35 बाय 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 जूल है क्या, ऑप्शन नंबर बी खत्म। तो नंबर्स में कंफ्यूज होना बहुत इजी है, बिकॉज 175 बाय 2 तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ पर 35 बाय 2 है लेकिन 175 बाय 2 किधर है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लो, 350 बाय 4, 350 का एक जीरो इसको दे दिया, 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, 35 बाय 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 जूल, राइट। सो डन 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 विद दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो मैंने असाइनमेंट में दिया था एंड वन ऑफ यू वांटेड मी टू सॉल्व दिस, मैं पूरा नहीं करके दूंगा, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, आई एम गोइंग टू गिव यू हिंट, लाइक 80% मैं करके देता हूँ, 20% आपको करना पड़ेगा। हमारे पास 7 स्पीयर्स वी हैव, तो वी हैव, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ स्पीयर, मेरे पास स्पीयर तो है नहीं, तो मैं काम करता हूँ, और कॉइन्स बोले हैं ना, ठीक है, दिस आर नॉट स्पीयर्स, दिस आर कॉइन्स, तो यू हैव 7 कॉइन्स, तो वेरी गुड। उसमें से कॉइन नंबर 1, ये कॉइन नंबर 1 है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, कॉइन नंबर 1, ऐसे टोटल 7 है हमारे पास, यू हैव समथिंग लाइक दिस, मान लेना वो टच हो रहे हैं सब, दिख नहीं रहा यहाँ पे, लेकिन अज्यूम कर लेना दैट दे आर ऑल टचिंग ईच अदर, तो ऐसा है मोर और लेस ऐसा है, समझ लेना, ठीक है, दिस इज द बेस्ट आई कैन ड्रॉ, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा मुझसे एनीवेज। या फिर लेट मी चेंज ओरिएंटेशन लिटिल बिट, नाउ इट इज ओके। ये सारे के सारे कॉइन है, कॉइन है मतलब डिस्क है, डिस्क आपको बोला है, ये जो पॉइंट पी है इसको यहां से एक्सिस पास हो रहा है हमारा, और एक्सिस इज परपेंडिकुलर, मतलब इट इज कमिंग आउट, तो एक्सिस इस पी पॉइंट से बाहर की तरफ आ रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यहाँ पे ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है, दिस इज आल्सो सेंटर, जस्ट फॉर कन्वीनियंस मैं इसका नामकरण कर देता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। यू आर सपोज टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ this system about an axis passing through point P perpendicular to the plane. Now, easy. कैसे easy? सबसे पहले coin number 1 खुद के axis के about rotate होगा, मतलब coin number 1 P point से जब axis निकलेगा, तो P खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7, 7 कॉइन है ना। I1 हो गया एम आर स्क्वायर बाय 2, क्यों एम आर स्क्वायर बाय 2, क्योंकि वो तो सिर्फ खुद के ही सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, करेक्ट, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब एक चीज ध्यान दो, अगर आपको इस पॉइंट के अबाउट पता है एम आर स्क्वायर बाय 2, तो आप इस पॉइंट के या इस पॉइंट के या फिर इस पॉइंट के या फिर इस पॉइंट के कोई भी सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हो, कैसे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंसेस। व्हाट इज डिस्टेंस? दिस मच, 2r। क्यों 2r? क्योंकि ये r और ये r, तो 2r। तो दिस डिस्टेंस इज 2r। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? अगेन 2r। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? अगेन 2r। मतलब ये तो पक्का हो गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई टू, आई सेवन एंड आई सिक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू सेवन एंड सिक्स कॉइन इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस प्लस कितना एम इंटू एच डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? टू आर है, टू आर स्क्वायर, क्योंकि यह डिस्टेंस टू आर था। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या करते हो आप? बोलते हो मुझे P पॉइंट के अबाउट पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर बाई टू। कोई और एक्सिस है यहाँ पे, ओके राइट। अगर ये डिस्टेंस मुझे पता है, दिस इज टू आर इन आर केस, तो यह आ जाएगा आपका I इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस टू आर का स्क्वायर, है ना, इंटू एम, ऑफ कोर्स इंटू एम होगा ही होगा। तो आपको ये सारे मिल जाएंगे, एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस एम इंटू फोर आर स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा फोर इंटू टू एट नाइन, ये नाइन आ जाएगा आपके पास, नाइन एम आर स्क्वायर बाय टू। तो आपको I2, I7, I6 मिल गया। Sorry for this. You have I2, I7 and I6. Correct. तो I1 का काम हो गया, I2 हो गया, I6 हो गया, I7 हो गया, I3, I4, I5. I4 तो और भी इजी है। क्यों I4 इजी है? क्योंकि you know यहां से यहां का डिस्टेंस भी 2r है, करेक्ट। तो P पॉइंट से फोर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस, मतलब इतना डिस्टेंस 2r प्लस 2r 4r आएगा, तो ये डिस्टेंस 4r आएगा। तो I4 क्या आने वाला है? मास mr स्क्वायर बाय 2, क्योंकि P का एक्सिस और इसका एक्सिस पैरेलल है, तो दिस विल बी प्लस मास इनटू 4r का स्क्वायर, सिंपल। तो ये आ जाएगा mr स्क्वायर बाय 2 प्लस 16 mr स्क्वायर, तो 33 mr स्क्वायर बाय 2, ये भी मिल गया। बचा क्या? बचा अबाउट 3 एंड अबाउट 5। तो इसके लिए मैं आपको देने वाला हूं असाइनमेंट। क्यों? क्योंकि आपको अब ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हो, ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हो, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ये भी डिस्टेंस 2r है, ये भी डिस्टेंस 2r है। तो आपको पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जिसके दोनों साइड्स 2r 2r है, उसका डायगोनल कितना होता है, ये आप अगर फाइंड कर पाए, तो ये डिस्टेंस अगर आप फाइंड कर पाए, तो यू कैन राइट डाउन I3 इक्वल टू I5 इक्वल टू m इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाय 2। मैंने वापस पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही लगाया है, आई एम राइटिंग डाउन पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगेन। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही है, राइट right? ओके okay, ये डिस्टेंस जो d बोल रहा हूं मैं, वो डिस्टेंस d इसका भी उतना ही आएगा, करेक्ट। तो द आइडिया इज दैट कि आपको सिर्फ ये डिस्टेंस d फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ r, और वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, आपको i3 i5 मिल जाएगा। तो आपको I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 सभी तो पता है, फिर सब पता है तो डालो और सॉल्व करो। तो दैट्स हाउ यू आर सपोज टू डू दिस एग्जांपल। तो मैंने आपको ऑलरेडी, मैंने आपको I1, I1,
आई टू आई सेवन आई सिक्स आई फोर तक करके दिया, सिर्फ आई थ्री और आई फाइव मैंने आपके लिए रखा है। वो सब फाइंड करने के बाद यू हैव टू जस्ट एड ऑल दिस टू गेट करेक्ट आंसर। दैट इज असाइनमेंट फॉर यू, कंप्लीट आपको करना है। ओके, सो माय जॉब वाज टू टेल यू हाउ टू डू इट, बाकी कैलकुलेशंस यू कैन डू, और 80% मैंने काम करके दिया आपको, सो बाकी का आप कर लो। सो दैट मार्क्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर।